चलो भाई अनाउंसमेंट खुशी है शहीद आजम सरदार भगत सिंह के नाम से जन्मदिन पे इकट्ठे हुए हैं। सो एक बार फिर मैं हाथ बन के बेनती करना एक बार जोरदार ताड़ियां उस सूरमे बहादुर के नाम से कौम का नाम और हम ये नहीं मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि हम सिर्फ उन्हें उनके जन्म दिवस पे याद करें या उनके शहीदी दिवस पे इस मार्च पे याद करें, बल्कि ये दिखावा ना कर करके भी हम जो है ना कोई जरूरी नहीं सिंगर वीर मेरे अजय सीना रणजीत वीर हरविंदर चीमा जी ते सारे वीर आयो आज मेरे आज अनंत बैंस अजय मान जी आज तुम भी आज जोत गीत मनप्रीत बारिश जी गुरलाल बड़ैच जी वड्डा भी रंजीत विर्क जी शहीद आज़म भगत सिंह जी को नमन करते हैं। उनका 110वां जन्मदिवस आज यहाँ के नौजवान साथी जो फेडरेशन है शहीद आज़म भगत सिंह फेडरेशन वो मना रही है और मेरा तो परम सौभाग्य है कि मुझे इस लायक इन लोगों ने समझा कि मैं शहीद आज़म भगत सिंह जी के जन्मदिवस पर आके उन्हें नमन कर सकूँ, उन्हें याद कर सकूँ, मुझे बोलने का अवसर दिया। आज आवश्यकता है कि उनके अधूरे सपनों को पूरा किया जाए और वो तभी पूरे होंगे जब जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर देश के लिए गरीब के लिए किसान के लिए मजदूर के लिए दलित के लिए पिछड़े के लिए सब लोग संगठित होकर और इस देश को पूंजीवाद की गुलामियों से उन जंजीरों से जिनने जकड़ा हुआ है इस देश को उससे इस देश को निकालकर इस देश को प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट जहां हर घर में बिजली पानी रोजगार और जो है ना किसान को बेहतरी मिले उसको मजबूती मिले गरीब को ताकत मिले ये उन लोगों के सपने थे जो उन लोगों ने इस देश के लिए देखे थे। मैं ये समझता हूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ 10 15 20 लोगों का गिना चुना देश बनकर के ना रह जाएं, उनके जेब की पूंजी ना बनकर के रह जाएं, बल्कि हर व्यक्ति तक ताकत पहुँचे हर व्यक्ति तक, क्योंकि देश सबका है और नेशनलिस्ट सोच को दबाया ना जाए। और ये जो डाइवर्ट होते हैं मुद्दे कई बार जब ये गाय की बात करते हैं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं जात पात की बात करते हैं ये जब भी ये नारे लगाए जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि भगत सिंह जी के नारों का उन सरीखे के नेताओं के नारों का गला दबाया जाता है तो आज उससे उभरने की जरूरत है। भगत जी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के समर्थक रहे हैं और हरियाणा में स्टूडेंट पॉलिटिक्स इस बार बैन लगा दिया है आप भी नहीं 1996 से ये बैन है और इस पर बड़ा लंबा संघर्ष हमारा जारी है। हमने सरकार से बातचीत करी सरकार से मिले सरकार के मुख्यमंत्री से मिले गवर्नर से मिले सब लोगों ने हमें आश्वासन दिया था। उसके बाद जब वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ एक कमेटी की रिपोर्ट बनाई कमेटी बनाई गई उस कमेटी की रिपोर्ट 2 महीने में आनी थी वो 11 महीने तक नहीं आई तो हमें तालाबंदी करनी पड़ी और तालाबंदी के बाद हमारे से 10 दिन मांगे गए
10 दिन के बाद आज एक महीने से ऊपर का समय बीत चुका है। हम अक्टूबर के महीने के अंदर एक बड़ा फैसला लेंगे, बड़ा एजिटेशन करेंगे। जिंदा नस्लें, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करती। अगर आज मैं स्टूडेंट लाइफ में हूं और मैं बदलाव नहीं कर पाया तो मैं अपनी अगली जनरेशन से कैसे कह सकता हूं कि आप कीजिए। तो इसलिए हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और इसके लिए कितनी बड़ी भी कुर्बानी देनी क्यों ना पड़ जाए, कितना बड़ा भी संघर्ष क्यों ना करना पड़ जाए, डेमोक्रेटिक वे में जो आज हमारा देश संवैधानिक तौर पर हमें इजाज़त देता है, हम वो लड़ाई इस सरकार के विरोध में लड़ेंगे। सरकार अपने वादे को पूरा नहीं करेगी तो उसे झुकना पड़ेगा, और सरकार अगर सड़कों पे जो लोग खड़े हैं उनकी आवाज़ को नहीं सुनेगी फिर सरकार को सड़कों पे आना पड़ेगा। सर, आपके पास काफ़ी यूथ है, इन सबके पास काफ़ी यूथ है, लेकिन नशे को लेकर कोई नशे को लेकर के आपके यहाँ पे आपके आपके यहाँ पर मुझे नहीं पता कि यहाँ पे इन सो एक्टिविस्ट ने एक अभियान चलाया या नहीं चलाया, मगर टोहाना के अंदर, रतिया के अंदर, डवाली के अंदर, अंबाला के अंदर, जितना पंजाब बॉर्डर से लगता इलाका है जो मोस्ट अफेक्टेड है, उसमें इन सो ने बहुत लंबा अभियान नशा मुक्ति के खिलाफ चला रखा है। और हम डॉक्टर्स की टीम को साथ लेकर के पहले गांव के अंदर जाकर के जागरूकता अभियान चलाते हैं, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं या जिनकी फैमिलीज इंटरेस्टेड हैं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करने का काम निरंतर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पे नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो मैं यहाँ के साथियों से भी कहूँगा कि इस अभियान को, क्योंकि ये एरिया भी अफेक्टेड है, इसके अंदर भी इसका प्रयास कीजिए, क्योंकि ये भी नशा जो है ये कहीं ना कहीं इट वुड लीड टू अ डिज़ास्टर, और ये हमारे देश के इंटरेस्ट में नहीं है। ये देश के जो है ना, अगर हमारी आने वाली पीढ़ी बिगड़ जाए, हमारी आने वाली नस्ल ख़राब हो जाए, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा भविष्य मजबूत है। एक सर को छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं चाहूँगा। ये तस्वीरें आप देख रहे थे, हम आपको बता दें कि शहीद भगत सिंह जी के 110वें जन्मदिन के मौके पर एक अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और शहीद भगत सिंह फेडरेशन की तरफ से यह कार्यक्रम करनाल में किया गया था। आप देख सकते हैं कि तमाम युवा साथी यहां पर मौजूद हैं, और इस कार्यक्रम में जहां सुबह रक्तदान शिविर किया गया, उसके बाद दस्तारबंदी कार्यक्रम किया गया, और उसके बाद गीत संगीत कार्यक्रम यहां पर रहा, जिसमें इनसो के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है दिग्विजय सिंह चौटाला वह पहुंचे थे, और कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आप बताएं आज का जो कार्यक्रम था उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम में रहा? जी, आज हमने शहीद आजम भगत सिंह जी के बर्थडे 110th बर्थडे असी ब्लड डोनेशन कैंप लाए थे, जिदे लोग करनाल के लोगों ने बहुत वध चढ़ के हिस्सा लिता जी। बहुत ज़्यादा साढ़े को यूनिट इकट्ठी हो गई, जिदा टीम की मैंने दसी है डॉक्टर टीम ने, टर्बन टाइम कॉम्पीटिशन असी कराए थे भगत सिंह के नाम न स्पैशल, लोग बड़ी दूर दूर लुधियाने तक तो लोग इतने पहुँचे ने। तो मैं स्पैशल थैंक्स करता चौधरी दिग्विजय चौटाला जी, आज इन्होंने टाइम कट के सानू मौका दिता जी, अपना फैडरेशन लॉन्च कर दिया। असी बेसिकली साड़ी शहीद भगत सिंह फैडरेशन असी अज के दिन लॉन्च की है जी। ये फैडरेशन सोशल वैलफेयर लिए काम करेगी, तो स्पैशली काम करेगी जी जिहड़ा करनाल का यूथ किसी भी फील्ड तो उत्ते आउंदा, असी वो वीर नूं मेरे किसी भी तरीके की सपोर्ट होगी असी उन्हें देन नूं तैयार ने। तो मीडिया ने सपोर्ट किया, ऑफकोर्स मिड्डा जी ने सानूं बहुत साथ दिता जी, पिंडा साहब ने साथ दिता, सारे का थैंक यू जी। मैं पहले तो सबका बहुत ही तह दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो मेरे भाई यहाँ पर आए जिन्होंने भगत सिंह के नाम को इतना ऊपर उठाने की हमें कोशिश को इतना हमें सपोर्ट किया, हम उनको इतना बड़ा थैंक्स कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। और जो भी भाई यहाँ पर आए ब्लड डोनेट किया, उन्होंने अपने दिल से भगत सिंह को प्यार करते हैं, उन्होंने ब्लड डोनेट किया, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है जो हमें आगे भी हम इन यूथ को आगे लेकर आएंगे और भी आगे इस भगत सिंह के नाम को और ऊंचा लेके जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। देख रहे थे कि बड़ी संख्या में जो यूथ है वो आज करनाल में मौजूद है, और शहीद आजम भगत सिंह के 110वें जन्मदिन के मौके पर एक अच्छे स्तर के कार्यक्रम का यहां पर आयोजन जो है किया गया था। कमल मिड्डा, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।